हुकूमत पंजाब की हदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस जलालपुर पीरवाला की जानिब से एलपीजी सिलेंडर वाली कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसके तहत मुतअद्दिद गाड़ियों को थाने में बंद कर दिया गया। इस मौके पर सिटी ट्रैफिक वार्डन का कहना था कि इन गाड़ी में जो एलपीजी गैस सिलेंडर लगाए हुए हैं जनाब, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और इनको हिदायत की जा रही है कि नेक्स्ट जनाब ये एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल कन्वर्ट करवाएंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से पीएसवी गाड़ियों में एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर का इस्तेमाल सख्ती से ममनू है, तो इस सिलसिले में जनाब चीफ ट्रैफिक अफ़ीसर मुल्तान और डीएसपी हेडक्वार्टर साहब की खसूसी हिदायत पर इन गाड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जारी है और इन गाड़ियों के खिलाफ FIR भी दी जा रही हैं और थाना उसे बंद किया जा रहा है। तो हमारी तमाम ट्रांसपोर्ट हज़रात से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी गाड़ियों को LPG और CNG से तर्क करके पेट्रोल और डीजल पर कन्वर्ट करवाएँ ताकि इन हादसा से महफूज रहा जा सके और कीमती जानों का नुकसान ना हो। इस मौका पर इनका मजीद कहना था कि LPG सिलेंडर कमर्शियल गाड़ियों में इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े सानिये का सबब बन सकते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वसीब की बात आपके साथ।